Assalamu alaikum guys. So today we are going to start our next chapter of our course. So the title of our next chapter is sum and tangent equation. So first of all, we will see sum and tangent equation in two variables. Before moving towards topic, we will see what is linear equation. Linear equation, the type of equation which contain two or more variables, but the highest power of variable is one. Or more simply, we can say that the equation having highest degree of 1 is known as the linear equation. After that, we will see what mean by simultaneous equation. Simultaneous equation contains two or more variables, but the value of those variables is same in all equations. So those are known as the simultaneous equation. So simultaneous linear equation mostly substitution or elimination से ही solve किया जाता है. तो हम सबसे पहले देखेंगे वो के अगर हमारे पास दो linear equations हो दो लीनियर इक्वेशन को उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन है 2x plus 3y is equal to 7. ये इक्वेशन नंबर 1 है और दूसरी इक्वेशन है 3x minus 4y is equal to 2. अब मुझे सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे कोई भी एक इक्वेशन को चूज करना है, जो भी मुझे अच्छी लगे या मुझे जो भी सिंपल लगे उसको चूज करना है और उसमें एक वेरिएबल को सपोज करना है, एक वेरिएबल को एक साइड करके उसकी वैल्यू निकालनी है. फॉर एग्जांपल मैं इक्वेशन ले रहा हूँ 1, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 सेम इक्वेशन लिखिए 2x plus 3y is equal to 7. अब मुझे पहले ये चूज करना होगा कि मुझे कौन सा वेरिएबल चूज करना है, मुझे x करना है या y करना है. फॉर एग्जांपल मैंने x चूज किया है, तो x को एक साइड रखेंगे, बकाया जो भी उसके साथ अदर एलिमेंट होगा, अदर वेरिएबल होगा या अदर कॉन्स्टेंट होगा, उन सबको दूसरी साइड लेके जाएंगे. तो मैं यहाँ पे 2x plus 3y is equal to 7 है, तो 3y उसको मैं निकाल के यहाँ पे रख रहा हूँ, तो यहाँ पे होगा 7 minus 3y और यहाँ पे होगा 2x, लेकिन मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए. तो मैं क्या करूँगा, ये x मल्टीप्लाई है तो वहाँ पे ओके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरा इक्वेशन होगी x is equal to 7 minus 3y upon 2. इसको मैं इक्वेशन को नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 3. अब ये मेरी होगी इक्वेशन नंबर 3. अब बाद में मुझे क्या करना है कि अब इक्वेशन नंबर 3 को उस इक्वेशन में पुट करना है जिसको पहले हमने हाथ नहीं लगाया. तो क्योंकि पहले हमने यहाँ पे इक्वेशन कौन सी ली थी, इक्वेशन नंबर 1 ली थी, तो हम अब 1 में नहीं पुट करना, हमें अब सेकेंड में पुट करना है. तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x minus 4y is equal to 2 है ना, तो उसमें हम इक्वेशन नंबर 3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे या पुट करेंगे. तो मैंने यहाँ पे लिखा है सब्स्टिट्यूट 3 एंड 2, मतलब सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 2. तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन लिखी है 3x minus 4y is equal to 2. तो अब मुझे x की जगह पे यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है, जो x को सपोज करके मैंने जो इक्वेशन बनाई है उसको मैं पुट करूंगा. तो 3 इंटू x की जगह पे 7 minus 3y अपॉन 2 रखा है और minus 4y is equal to 2 सेम ही है. अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 आ गया है तो मुझे 2 को खत्म करना है. तो मैं खत्म कैसे करूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई बाय कर रहा हूँ 2 से. तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और सेम, और माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4y और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2. तो अब मेरा क्या हो गया, ये 2 है वो इसमें कैंसिल हो गया, इसमें कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा है 3. तो 3 को पूरी इक्वेशन पूरे ब्रेकेट से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 7 21 और माइनस माइनस प्लस माइनस और 3 3 9y. और अब मेरा यहाँ पे आ गया माइनस, माइनस की साइन माइनस और 2 4 8, तो 8y हो गया और इज इक्वल टू 2 to the 4, यहाँ पे आ गया 4. अब मुझे क्या कर रहे हैं कि 4 यहाँ पे पॉजिटिव है, तो मैं 4 को इस साइड लेके आ रहा हूँ, तो 21 माइनस 4 हो जाएगा, 21 माइनस 4 आ गया 17 और ये 9y और 8y होगा 17y. तो 17y यहाँ पे माइनस के हो रहे हैं, तो मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो वो हो जाएंगे पॉजिटिव 17y. तो अब मेरा हो गया यहाँ पे इक्वेशन क्या होगी, 17 इज इक्वल टू 17y. तो मुझे अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17 में कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1. अब मैं क्या करूंगा कि x इज इक्वल टू 7 माइनस 3y अपॉन 2 में y की वैल्यू 1 पुट करूंगा. तो x इज इक्वल टू 7 इंटू y की जगह पे मैंने 1 पुट कर लिया है, तो मैं x और y को एक ऑर्डर पेयर में लिखूंगा x और y, तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई. अब मैं x और y दोनों की वैल्यू, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1,
अगर मैं दोनों इक्वेशन जो मेरे पहले जो भी इक्वेशन दोनों थे और मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करूंगा तो या दोनों साइड आपस में बराबर हो जाएंगी। जो भी सॉल्यूशन है ये बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेट्स डू एन एग्जांपल विद एलिमिनेशन मेथड। सो सबसे पहले मैं दो इक्वेशन ले रहा हूँ, सेम इक्वेशन है जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में यूज़ किए हैं, और 2x + 3y = 7 ये इक्वेशन नंबर 1 है, और 3x - 4y = 2 इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड का मतलब है कि मुझे किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करना मतलब उसको ख़त्म करना है, उसको कैंसिल करना है। एक्स है तो यहाँ पे 3x है, तो ये दोनों मैच नहीं हो रहे तो हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन में वो कैंसिल नहीं होंगे। यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 4y है, वो भी कैंसिल नहीं होंगे। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा कि मुझे दोनों दोनों वेरिएबल्स को या एक्स को या वाई दोनों को दोनों इक्वेशन में उसके वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक ट्रिक है कि जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसको इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन नंबर 2 में जो एक्स का वेरिएबल है उसको इक्वेशन नंबर पूरी 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3, यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और इक्वेशन नंबर 2 को 2 से, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में x का कोफिशिएंट 2 है, इक्वेशन नंबर 2 पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और देन सब्ट्रैक्ट। उसके बाद मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये x जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो जब इस पूरी इक्वेशन नंबर 1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो वहाँ पे आ गया 6x + 9y = 21, जिसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 2 है वो हो गई 6x - 8y = 4, जो जिसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट में हम क्या करेंगे, जो भी हमारी इक्वेशन होगी जो लास्ट इक्वेशन होगी उसके हम साइन चेंज करेंगे। तो 6x प्लस का है तो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया है, और -8y है तो मैंने उसको +8y कर दिया, और यहाँ पे प्लस का 4 है तो मैंने उसको -4 कर दिया। अब देखो ये है +6x और ये है -6x, तो ये डायरेक्टली कैंसिल हो गए, और यहाँ पे +9y, यहाँ पे +8y, तो 9y और 8y होगा 17y, और = ये होगा 21 है, और ये -4 है तो 21 - 4 हो गया 17। तो इस हिसाब से मेरा y हो गया 1। अब मेरा y मिल गया है 1, और अब मैं y को क्या करूँगा, y को किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँ या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँ या किसी भी 3 में पुट करूँ या 4 में पुट करूँ, किसी भी इक्वेशन पुट करूंगा तो मुझे एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे मैं 1 में पुट कर रहा हूँ, तो पुट y = 1 एंड इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, 2x + 3y = 7। तो मैं y की जगह पे उसकी वैल्यू 1 है वो मैं पुट कर रहा हूँ, तो 2x + 3 × 1 = 7। तो अब मैं इसको जब सॉल्व करूँगा तो मुझे x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 2। अब और ये क्या है, x की वैल्यू 2 और y = 1 क्या है, एक मेरी सामान्य इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब x = 2 और y = 1 दोनों इक्वेशन में पुट करूंगा, अगर 1 में पुट करूं तो भी इसको सॉल्व करेगा, अगर 2 में पुट करूं तो भी सॉल्व करेगा। फर्स्ट में मैं सॉल्व करके देखता हूं, तो इक्वेशन नंबर 2 है मेरी 3x - 4y = 2। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ तो 3 × 2 - 4 × 1 = 2, तो 3 × 2 = 6 - 1 = 4 = 2, तो 6 - 4 = 2 = 2। तो ये मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब अब मैं x = xy की वैल्यू 2 1 अगर मैं 1 में पुट करूं तो भी सॉल्व करेगा। तो क्या है, तो ये है मेरे सामान्य लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब हमारा दूसरा टॉपिक है सामान्य लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। सो अब क्या है कि एक हमारे पास इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है और दूसरी जो इक्वेशन है वो हमारे पास नॉन लीनियर है, मतलब इसका हाईएस्ट पावर 1 नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये हमारी नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो मोस्टली नॉन लीनियर इक्वेशन है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व किए जाते हैं, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारी लीनियर इक्वेशन होगी उसको सपोजिशन करके उसमें से एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने हमारी लीनियर इक्वेशन 1 है तो मैंने यहाँ पर लिखा है फ्रॉम 1, तो 2x + y = 1 को यहाँ पे रखा है, और इसमें y की वैल्यू सपोज की, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू सिंपल हो रही है तो मैंने y की वैल्यू चूज़ की है, तो y = 1 - 2x हो गया, और ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 3। और एट द सेम वे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है,
तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन नंबर 3 है इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा, इसमें नहीं पुट करूंगा क्योंकि इसी इक्वेशन से मैंने ये ड्राइव की है। तो मैं क्या करूंगा, जो दूसरी इक्वेशन होगी उसमें मैं ये इक्वेशन नंबर 3 पुट करूंगा। तो मैंने लिखा सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 है हमारी वाई स्क्वायर प्लस 4x² + 12x = 1। तो मैंने यहाँ पे y की जगह पे उसकी वैल्यू रखी है जो है 1 - 2x। तो 1 - 2x + 4x² + 12x = 1। अब मेरा यहाँ पे फार्मूला बन रहा है a - b होल स्क्वायर। तो a - b होल स्क्वायर किसके बराबर है, a² - 2ab + b²। तो ये उसमें इसको फार्मूले को मैंने एक्सपेंड किया है और उसके बाद ये 4x² + 12x = 1 ये सेम आ गया। और यहाँ पे भी 1 है, पॉजिटिव 1 है, यहाँ भी पॉजिटिव 1, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक 4x² ये और एक 4x² ये है, तो ये दोनों हो गए 8x² और यहाँ पे 12x है प्लस का और यहाँ पे माइनस का 4x। तो प्लस का 12x से माइनस का 4x चला गया तो बाकी बच गए 8x, तो यहाँ पे हो गया 0। और यहाँ पे इस इक्वेशन में से 8x कॉमन निकल रहा है, तो मैंने एक्स 8x को कॉमन निकाल दिया है। तो अभी यहाँ पे 8x कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे बचा है x और यहाँ पे बचा है 1। यहाँ पे मैंने दोनों को सेपरेट किया है, तो एक होगा एट एक्स इक्वल टू 0 जहाँ से मुझे मैं एक्स की वैल्यू मिली है 1, और सॉरी एक्स की वैल्यू मिली है 0, और यहाँ पे दूसरी होगी x + 1 = 0 वहाँ से मिली है मुझे x = -1। अब मुझे एक्स की वैल्यू 2 मिली है तो मुझे वाई की वैल्यू भी 2 मिलनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जो भी एक्स की वैल्यू फंक्शन मेरे पास पहले x = 0 है तो मैं उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूँगा। तो मैंने पुट x = 0 और 1 इन इक्वेशन नंबर 3। तो जब x = 0 है तो y की वैल्यू क्या बनेगी, 1 - 2 × यहाँ पे x की जगह पे मैं 0 रख रहा हूँ तो मुझे y की वैल्यू मिल रही है 1। तो एक मेरा जो आउटर पेयर हो गया या एक सॉल्यूशन सेट हो गया वो हो गया 0 और 1। और अब मैं क्या करूँगा, x = -1 भी है तो उसको मैं पुट करूँगा सेम ही 3 इक्वेशन में, तो वहाँ पे हो जाएगा मेरा y = 3। तो हमारा सेकेंड जो सॉल्यूशन सेट है वो हो जाएगा -1 और 3, 0 1 और ये -1 और 3। इन दोनों को ऑर्डर पेयर को मैं अगर किसी भी इक्वेशन में, इसमें एक इक्वेशन पुट करूँ या ऐसे इक्वेशन पुट करूँ तो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब मैंने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं और उनका जो आंसर आ रहा है वो एज यूजल जो हमारा वो ऑर्डर पेयर आता है वो नहीं आ रहा है। तो अब मैं इसको देखूंगा कि इनके जो भी, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये आंसर आ रहा है और इन इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये आंसर आ रहा है, तो हमें जो जो आंसर चाहिए वो नहीं आ रहा, तो एक्चुअली इसका मतलब क्या है। तो लेट्स सी बाय बाय डूइंग दिस एग्जाम्पल, मेरे पास एक इक्वेशन है ये है और ये है इक्वेशन, और इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ फॉर गेटिंग सॉल्यूशन। सो बाय एलिमिनेशन मेथड से मैं कर रहा हूँ, और एलिमिनेशन मेथड से तो कैसे करते हैं, तो मुझे एक ही एक किसी भी एक वेरिएबल को मुझे एलिमिनेट करना होगा। तो मैंने चूज़ करना होगा कि मुझे कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना है, तो मैंने यहाँ पे एक्स को चूज़ किया है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन का कोफिशियंट एक्स का 1 है और यहाँ पे 2 है, तो मैं क्या करूँगा, इसका जो कोफिशियंट है वो इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसका जो कोफिशियंट है वो इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई हुआ है इक्वेशन नंबर 2 बाय 2, क्योंकि इसका कोफिशियंट 1 है, वो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो देर विल बी नो डिफरेंस। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2 एंड आफ्टर दैट मैंने सबट्रैक्ट किया है। तो इनको जब मल्टीप्लाई 2 से करने के बाद मुझे ये आंसर मिल रहा है। तो अब जब मैंने इसको सबट्रैक्ट किया है तो मुझे यहाँ पे 0 = 0 आ रहा है, सब कैंसिल हो गए। जब मुझे इस तरह का आंसर मिले 0 = 0, तो उन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, जो भी मैं एक्स की वैल्यू पुट करूँ यहाँ पे, एक्स की फॉर्म में 1 पुट कर रहा हूँ, जो भी वाई की वैल्यू आ रही है वो इन दोनों में दोनों को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि दीज बोथ इक्वेशंस आर सेम, देयर इज नॉट, दीज बोथ रिप्रेजेंट द सेम लाइन एट द ग्राफ। सो ये दोनों इक्वेशन एक एक जैसी ही है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ डाल रहा हूँ एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है वो फॉर एग्जाम्पल ये है, तो इक्वेशन नंबर 2 भी सेम ही सेम है, उनके ऊपर ही ऊपर है, तो इनके जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो अगर दोनों साइड इक्वल आ रही है, दोनों साइड फॉर एग्जाम्पल मेरी यहाँ पे 7 = 7 आ जाए तो भी इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। अगर 0 = 0 इसका मतलब कि जब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए तो वो हो जाएगा मेरा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और अब मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ पे भी एक इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन है,
इसको भी मैं एलिमिनेशन मेथड सेम ही से सॉल्व कर रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे क्या है कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम ही है, तो मुझे किसी भी मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं पड़ रही। तो अब मैं डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर टू को वन से कर रहा हूँ। तो जब मैं इक्वेशन नंबर टू को वन से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मुझे जो आंसर मिल रहा है ये तो कैंसिल हो रहे हैं, जो मुझे आंसर मिल रहा है वो माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो मिल रहा है, जबकि माइनस थ्री यहाँ पे बता रहा है कि माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, लेकिन एक्चुअली माइनस थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये क्या है, ये कंडीशन जो है वो गलत कंडीशन है, ये कंडीशन फॉल्स है। तो मतलब इन दोनों इक्वेशन का कोई सोल्यूशन ही नहीं है, ये इस टाइप की इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये इक्वेशन है तो ये उसके बराबर नहीं, ये वाली इक्वेशन है, ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। और जो भी इक्वेशन का सोल्यूशन मिल रहा है वो सोल्यूशन इज उनका दोनों, दो भी हमारे पास, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है तो फॉर एग्जाम्पल एक ये लीनियर और ये लीनियर है, तो मुझे जो भी सोल्यूशन मिलेगा वो इस पॉइंट का वैल्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है और एक नॉन लीनियर इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नॉन लीनियर इक्वेशन है, उसका ग्राफ ऐसे है, और जो लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ ऐसे है। तो जब पहले हम लीनियर और नॉन लीनियर का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो मुझे दो ऑर्डर पर मिल रहे थे, तो एक ऑर्डर पर में उसका वैल्यू यहाँ पे होगा और दूसरा यहाँ पे होगा। तो एक्चुअली जो भी हमारे पास सॉल्यूशन मिल रहा है वो सॉल्यूशन इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू फिगर्स।